Now to the UK, where the NHS is in a critical condition and looking at India to rescue it. भारत से 2000 डॉक्टर जो हैं, वो यूके जाएंगे. The NHS wants Indian doctors, at least 2,000 of them, to keep the health system from collapsing. के इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है. है कि इंडिया फार्मास्यूटिकल और हेल्थ के डिपार्टमेंट में इतना तेजी से डेवलप कर रहा है कि इंडिया को अब वर्ल्ड्स फार्मेसी कहा जाने लगा है. मेडिकल के सिस्टम के हवाले से बात करूं तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो भारत कहलाया जाता है. कहा जाता है कि दुनिया में 70% अद्वियात जो है वो अकेला भारत है जो प्रोड्यूस कर रही. अगर बात की जाए रैंकिंग की तो दुनिया में तीसरे नंबर पर इंडिया का रैंक है फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर के हवाले से. 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे. दूसरी तरफ IMF और पाकिस्तान के दरमियान जारी मुजाकरात का कल आखिरी रोज है, जहां 1.1 अरब डॉलर की किस्त से मुतल्लिक मेडिकल की फील्ड में जितनी भी नई इजादात हो रही हैं, इंडिया उनको यूज कर रहा है. Absolutely. उनके डॉक्टर्स जो है ना सिर्फ इससे फायदा उठा रहे हैं बल्कि वो दुनिया भर में फिर अपना नाम भी रोशन. हम कभी आप मुझे आरजू ये बताएं, हम कभी किसी से मिले हैं बगैर पैसे मांगने की गरज से? आपने सोचा के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मैं पाकिस्तान में बहुत सी फैमिलीज को जानता हूं जो कि भारत से जाके जो है अपना ट्रीटमेंट करवा के आते हैं. इंडियन मेडिसिन मेकर्स बेनिफिट फ्रॉम बिग फार्मा इंटरेस्ट बियॉन्ड चाइना. मेरा सिंपल सर क्वेश्चन आपसे है, बीइंग आप डॉक्टर हैं, अगर हम मेडिकल प्रोग्राम की बात करें भारत इस टाइम कहाँ पे स्टैंड? वो इंडिया है वो चाइना से आगे बढ़ना चाहता है. अभी उसने उससे पहले दो और इकोनॉमीज जो है जापान, पहले जर्मनी और फिर जापान, उनको पीछे छोड़ना. फिर तो इसके लिए जैसे जैसे किसी भी सेक्टर में हम ये देखेंगे कि वो उसको बीट कर रहा है तो आप देखिएगा कि वो उन स्टेप्स में आगे बढ़ा इंडिया, और चाइना जो है इसका मतलब है कि पीछे जा रहा है. लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी अपना बहुत इंपैक्ट करती है, और वो आपने देखा कि इसमें ये बताया जा रहा है कि कंपनीज को जो है वो अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि आप उसके बजाय जो है वो उस तरफ देखें. और फिर ये है कि और भी इसमें कुछ काफी जो डिटेल्स हैं वो आई हैं, लेकिन अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उस तरफ जो मैंने कहा. मैंने आपको ये बताया था कि जो इंडिया है वो पहले से ये समझता है कि उसको जो है वो ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही थी कि इसमें ये आया हुआ है जैसे कि CNBC में पब्लिश हुआ और भी कई जगहों पर जो है वो इस तरह के तमाम जो सर्वे हैं वो आते रहे. 2022 में जो है वो कहा जा रहा था कि इंडिया वॉन्ट्स टू बी द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बट फर्स्ट इट मस्ट बीट चाइना, और इसके लिए ये जरूरी था कि ये ऐसा कुछ हो, और वो हो गया. अब मैन्युफैक्चरर्स जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो भी दवाइयां अद्विया जो भी इस सिस्टम में बनती हैं तो वो सब जो है वो इंडिया की तरफ देखेंगे, और इस तरीके से इंडिया को अपनी एक ये वाली जगह बनाने का. जो चाइना है वो 20 ईयर्स से इसके ऊपर एक तरीके से उसकी मोनोपोली थी, और उसकी यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रेफर्ड लोकेशन फॉर ए रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ड्यू टू खासतौर पर लो कॉस्ट और स्पीड, यानी जो स्पीडी सर्विस थी उनकी और लो कॉस्ट के बिना पर पूरी दुनिया जो है सबसे ज्यादा चाइना की तरफ देखती. तो चाइना जो है इसके ऊपर एक तरीके से वो रूल कर रहा था. अब इसमें ये हुआ है कि जो मेडिसिन मेकर्स हैं दे आर सीकिंग टू लिमिट देयर रिलायंस ऑन चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि इस सिलसिले में जो भी वो जिस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं टू यूज इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड अर्ली स्टेज मैन्युफैक्चरिंग की ये बात हो रही है. और ये जो मूव है ये अब बेनिफिट करेगी चाइना के राइवल इंडिया को, और इस तरीके से जो है वो इंडिया का वो ख्वाब पूरा होगा और वो टारगेट अचीव करेगा कि जिसके बारे में वो ये पहले भी बात होती रही कि इंडिया जो है उसके लिए ये जरूरत है उसकी कि वो चाइना को इसमें पीछे. क्या आपने कहा है कि भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे, वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है. 1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहां पर, और आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा. उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं है और वहां पे लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर नहीं बन. दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से एक आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे एक एक महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के. दूसरा, जो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों को का इलाज उनको चाहिए लेकिन उनको डॉक्टर मुयस्सर नहीं है. 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको. अब यहां ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इसराइल में जा रहे हैं, और देखा जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक तो वह पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, और दूसरा
बाहर जाएंगे तो वो टेक्नोक्रेट बनेंगे, वो डायस्पोरा नहीं बनेंगे, वो मजबूरी बन जाएंगे, उन कौमों के जहां जाके वो काम करेंगे। सर अगर मेडिकल के सिस्टम के हवाले से बात करूं तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो भारत कहलाया जाता है, कहा यह जाता है कि दुनिया में 70% अद्वियात जो है वो अकेला भारत है जो प्रोड्यूस कर रहा है। इवन के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मैं पाकिस्तान में बहुत सी फैमिलीज़ को जानता हूं जो कि भारत से जाके जो है अपना ट्रीटमेंट करवा के आते हैं। मेरा सिंपल सर क्वेश्चन आपसे है, बीइंग आप डॉक्टर हैं, अगर हम मेडिकल प्रोग्राम की बात करें भारत इस टाइम कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? भारत तो दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान आए रोज़ जो है ना किसी तनाजली का शिकार हमें दिखाई दे रहा है। तो जितनी भी अब प्रोग्रेस भारत कर रहा है, चाहे वो साइंस की दुनिया हो चाहे तिब की दुनिया हो, तो यकीनन ये काबिल तहसीन है और बहुत ही अच्छे इकदाम भारत की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। और मेडिसिन की दुनिया में जिस तरह आप बता रहे हैं कि 70% ऑफ द जो फार्मेसी जो है ना वो भारत अब उसमें अपना जो है किरदार अदा कर रहा है, तो ये बड़ी हैरान कुन चीज़ें हैं। देखें, एक साथ दो मुल्क आज़ाद हुए थे, अब एक देखे कि कहाँ पर खड़ा है और दूसरा मुल्क दिन ब दिन तनाजली का शिकार है। बल्कि जबकि इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो हम आए दिन उनके वो कहते हैं ना किसी शोबे में देखते हैं कि वो तरक्की कर रहे हैं। आई डोंट नो एट ऑल यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लिए भी लम्हा फिक्री है, अगर वो भारत को अपना हम पल्ला समझता है और उनको वो कहते हैं ना अपने राइवल के तौर पे देखता है तो टक्कर भी देना पड़ेगी उनको हर एक शोबे में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंटिन्यूसली वो है जो है ना अपने आप को डाउन करते जाएँ और फिर भी वो कहते हैं ना एक एटम बम बना के आप जो है ना बस उसी को बेचते फिरें, ये अच्छी बात नहीं है। तो आजकल वैसे भी इकोनॉमी की वार है, जितना आप इकोनॉमिकल एक्सपर्ट होंगे उतने ही आपका मुल्क का वजूद जो है ना वो मुस्तहकम होगा। तो भारत तो भाई कर रहा है ये चीज़ें, एटम बम भी उसने बनाया हुआ है। 70 साल के टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो उनको भी उतना ही टाइम पीरियड मिला है जितना हमें मिला है। सर आखिर क्या वजह है कि कोई हम ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जो कि लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो एक आम कॉमन सिटीज़न जो पाकिस्तानी है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, सर वो क्यों नहीं मतलब पाकिस्तान से एक अच्छा ट्रीटमेंट करवा सकता? जबकि अगर कंपेयर टू मैं भारत की बात करूँ तो सर आखिर क्या वजह है कि वो इतना ज़्यादा डिवेलप कर गए हैं कि पूरी दुनिया उनको मान रही है? यार इसकी बुनियादी वजह मेरे ख्याल में यह है कि जो हमारे ताकतवर हलके हैं ना, ये सबसे बड़ी जो है ना गलतियां कोताहियां और सबसे बड़े जो मुजरिम हैं ये लोग। थॉमस वेस्ट जो के प्रेसिडेंशियल एनवॉय हैं, वो अफगानिस्तान का मसला हल करने के लिए दो ममालिक में जा रहे हैं, एक भारत है दूसरा यूएई है। तो भाई हमने सारा कंट्री जला दिया था इस मुल्क के लिए, हमें पूछ ही नहीं रहे। और हमें पूछ ही नहीं रहा कोई। हाँ इसमें एक जरूर बात है, क्यों जा रहे हैं भाईजान जो है थॉमस वेस्ट वहां पे, वो भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अफगानियों को खाने के लिए गंदम तो दे रहा है भारत। 47,000 टन गंदम उन्होंने वहां पे उनको भेजी थी जब उनके बुरे हालात थे। 200 टन के करीब उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल दवाइयां वगैरह भेजी थी। उसके बाद एक महीना पहले इंडियन डेलीगेशन ने जाके अमीर खान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे जाके मुलाकात की, उनसे डिस्कस किया गया अफगानिस्तान के हालात।